मैं आज अपने म्यूचुअल फंड का चार्ट देख रहा था जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। मैं इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग से दो चार्ट दिखाऊंगा, इसमें आपको इन्वेस्टर की जो साइकी है वो भी समझ में आएगी, और इसमें वॉरेन बफे की जो थोड़े बहुत कोट्स मैंने पढ़े हैं आज तक वो भी आपको दिखाता हूं मैं उसके अंदर कि किस तरह से वो उसके अंदर इंप्लीमेंट होता है। ये जो म्यूचुअल फंड है इसका मैंने अकाउंट जो खोला था, बाय द वे ये बैक इन 2006 खोला था अपने एक दोस्त के साथ, लेकिन उस जमाने में हमें कुछ पता ही नहीं था बेसिकली म्यूचुअल फंड के बारे में। ये अकाउंट खोल के थोड़े बहुत पैसे डाले, उस वक्त थोड़ा सा नुकसान हो गया। आई थिंक इफ यू रिमेंबर 2008-09 के अंदर किस तरह से मार्केट क्रैश की थी, तो बेसिकली हमने हर महीने कुछ पैसे डाल रहे थे एज एन ओल्ड स्कूल थॉट, तो हमने पैसे डालते रहे थे उसके अंदर। लेकिन जब वो मार्केट क्रैश हुई, और शुक्र है ज्यादा पैसे नहीं डाले थे और ज्यादा डर भी नहीं था उसका, और जब मार्केट क्रैश हुई जो मैं छोड़ के जा रहा था पाकिस्तान, तो मैंने कहा यार अब इन पैसों का भी मैं वहां छोड़ के क्या करूंगा, मैंने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए थे। 2009 में जब मैं अकाउंट बंद कर रहा था, जब पैसे निकाल रहा था उसमें से, तो मैंने अकाउंट बंद नहीं किया था, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया था, पैसे निकाल लिए थे मैंने। अब उसके बाद मुझे ये मैं आई वॉज जस्ट रिसर्चिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, तो मैंने कहा कि वाई नॉट टू गिव अ सेकेंड शॉट टू दिस। तो 2019 के अंदर मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया। अब जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो इसके अंदर बैक इन 2019 इतना इजी नहीं था जितना आजकल अकाउंट में खोलने में आसानी है ना, मतलब यहाँ पर तो मैं ईमेल करता हूँ और वहाँ पर मुझे कॉल आना शुरू हो जाती हैं। तो 2019 में जब मैंने पहली दफ़ा उनको ईमेल की दोबारा से कि भाई ये मुझे दोबारा से रीएक्टिवेट करना है, मैंने बोला आपका अकाउंट तो रीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, एक्टिवेटेड है, आप सिर्फ इसमें फंड्स डालें और यू आर गुड टू गो। मैंने कहा वेरी गुड, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। और अगेन जैसे मैंने वॉरेन बफे के दो तीन कोट्स पढ़े हुए थे, मैंने कहा ठीक है इसको हल्के हल्के स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट सी के क्या होता है। खैर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की दोबारा से म्यूचुअल फंड्स की, और आगे क्या होने वाला है, और किस तरह से मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से इसका आइडिया हो सके और आपको शायद इसमें कुछ हेल्प मिल सके। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है, पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपका इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में ही मिल जाएंगी। तो एज मैंने आपको बताया कि मैंने 2019 में दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की म्यूचुअल फंड के अंदर, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर, मैं उसका नाम इस वक्त नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप कोई मुझसे कोई प्राइवेट मैसेज करेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि मैंने अभी रिसेंटली एक और फंड देखा है, और फंड को देखना किस तरह है और कौन सा फंड सेलेक्ट करना है ये मैं एक और वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा। अभी मैं इस अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूं सिर्फ, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ 2019 से लेकर अब तक का। खैर अब आप देखें कि मैं अगर आपको ये चार्ट दिखाऊं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और KSE 100 इंडेक्स का जो इंडेक्स है वो एक आपको और नजर आ रहा है लाइन चार्ट में, और जो दूसरे बार ग्राफ है ये मेरी बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स है जो मैं हर महीने कर रहा था। अब आप देखें शुरू में मैंने जनवरी में एक इन्वेस्टमेंट की थी, वो मैंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, बड़ी क्या की थी, वो भी ऐसी मतलब 7-8 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने पैसे डाल दिए थे जस्ट टू स्टार्ट ऑफ। फिर उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके डालना शुरू किया, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कर क्या रहा हूं, तो मैंने पैसे डालना शुरू किया, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम 2019 जनवरी अंटिल अप्रैल 2020 मैं बहुत कम पैसे डाल रहा था, मतलब मैं उसके अंदर 500 हज़ार 2000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा पैसे नहीं डाल रहा था। अच्छा 2019 में जब मैंने अकाउंट खोल लिया था तो उसके बाद बाय द वे मैं फिर सो गया था। फिर मैंने दोबारा जनवरी 2020 में मुझे ख्याल आया कि मैं कुछ करता हूं, तो 2020 में मैंने दोबारा से पैसे स्टार्ट करे डालना। लेकिन अब आप देखें कि 2020 के अंदर कोविड भी आया था, तो कोविड की वजह से मार्केट ने नोज डाइव किया था। जब नोज ड्राइव किया उसने तो फिर मेरी भी थोड़ी सी हो रही थी कि यार मैं कितने पैसे डालूं और कब तक डालूंगा, हालांकि मैं पैसे नहीं डाल रहा था, मैं सिर्फ 500 हज़ार रुपए डाल रहा था महीने के। अब आप देखें ना वॉरेन बफे ने जिस तरह बोला था, आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच, क्लोज द डोर्स, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी कि जिस वक्त लोग जो है डर रहे हो उस वक्त आप ग्रीडी बन जाएं, और जब जिस वक्त लोग ग्रीडी हो आप उस वक्त डर के साइड में हो जाएं। अब यहां देखें यहां उल्टा हो रहा है, जिस वक्त मार्केट के नीचे जा रही थी मैं उस वक्त मैं भी डर रहा था, मैंने भी पैसे नहीं डाले। अगर आप देखें 2020 के अंदर मैं मिड के अंदर मार्च के अंदर लेट से मैं पैसे डाल चुका होता उसके अंदर, तो इस वक्त क्या होता, मार्केट उस टाइम पे 28,000 पे पहुंच गई थी, इस वक्त मार्केट 48,000 के ऊपर है, तो आप जरा रिटर्न्स का आइडिया लें कि क्या रिटर्न्स होते उस टाइम पर। लेकिन एनीवेज ये भी एक
लर्निंग है जैसे 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 टाइम गुजर रहा है। इसके अलावा जैसे वॉरेन बफे ने एक और चीज कही है कि इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। यानी कि वो ये बात कर रहे हैं कि भाई आप जो भी करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, और म्यूचुअल फंड तो है ही लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप देखें ना आप, बाय द वे मैं एक और चीज बताऊं, ये एक और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिया हुआ है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वो ये कि आप देखें 4 साल तक अगर आप अपनी जो 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 प्रॉफिट है वो विदड्रॉ नहीं करते हैं तो उसके ऊपर वो कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि उन्होंने भी कहा हुआ है कि भाई आप जरा इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो बेसिकली आप इसके अंदर ये देखें कि आपको लॉन्ग टर्म रह के चलना है, और जिस वक्त मार्केट में लोग परेशान हो उस वक्त आप एंट्री जरूर करें। अब आप यहां देखें कि मैंने अगर एंट्री की होती मार्च में, मैंने की होती लेट से अप्रैल में, तो मुझे तो डेफिनेटली वो डबल का फायदा हो चुका होता अब तक ऑलमोस्ट, लेकिन वो नहीं की थी। एनीवेज उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा अच्छा, बाय द वे ये एक लर्निंग प्रोसेस था, ये मैं पहली दफा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा था, ये मैं एज एन एक्सपेरिमेंट आपको शो कर रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा था उस टाइम पर। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा मुझे हिम्मत बनी, मैंने कहा यार इतने से पैसे हैं क्या करना है कुछ, मतलब इसमें लर्निंग ही हो जाएगी थोड़ी सी, और डाल देते हैं। फिर मैंने थोड़े से पैसे ज्यादा डालना शुरू किए, मैं डेली लेवल के ऊपर पैसे ज्यादा डाल रहा था, यानी कि मैं 15-20 दिन बाद 10,000 रुपये डाल देता था, 20,000 रुपये डाल देता था। आप देख रहे हैं उसके बाद मार्केट किस तरह से एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर चल रही है, जो उसको डिप आना था वो डिप आ गया था, उसके बाद वो बहुत ज्यादा कोई अपसाइड नहीं दिखा रही है। लेकिन मैं इन एनी केस अब तक मैंने जो सोचा है वो ये कि आप कांस्टेंटली आप उसमें इनपुट डालते रहे और वो आपको रिजल्ट देती रहेगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको जो जो ये दिखाता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ। उस इंटरेस्टिंग चार्ट के अंदर ये देखें कि ये तो अगेन वही लाइन है कि एक रेड के अंदर जो आपको नजर आ रही है वो केएससी की लाइन है जो इंडेक्स शो कर रहा है। जो दूसरी दो लाइन्स हैं ग्रीन वाली वो ये दिखा रही हैं आपको, एक बार चार्ट है वो एक्चुअल वर्थ है, जो मैं एक्चुअल में मेरे पास इस वक्त अमाउंट बची हुई है, और जो ग्रीन लाइन आपको लाइन चार्ट जो शो कर रहा है वो ये कि मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है। यानी कि अगर आप देखें तो 2019 से लेकर अब तक जो मैंने क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की है वो अराउंड कोई आ रही है 461 के करीब, यानी 4,60,000 के करीब मैंने अभी तक इन्वेस्ट किया टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 2019 अंटिल नाउ। लेकिन इस वक्त जो मेरी पोजीशन है वो ये है कि मैं इस वक्त 522K के ऊपर बैठा हूँ, यानी कि 5,22,000 रुपये। अब इसमें दो चीजें इस चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक तो आप ये देखें कि ड्यूरिंग 2019 और अंटिल मिड ऑफ 2020 मेरा जो पोर्टफोलियो था वो नेगेटिव में था, और वो कुछ भी नहीं था, ऑल्दो कि वो 506,000 रुपये जो महीने के मैं डाल रहा था, लेकिन आप देखेंगे इस चार्ट के अंदर वो नेगेटिव के अंदर था। वो फिर जब मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुई और मैं थोड़ा सा पैसे ज़्यादा डालना शुरू हुआ तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गया वो पैसे। उसमें कहीं कहीं ऐसे टाइम आए कि वो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो फिर भी नीचे था मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, लेकिन इवेंचुअली जब मार्केट ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई तो उसके बाद वो पैसे बढ़ गए, और इस वक्त जो है वो मैंने टोटल 461K जो इन्वेस्ट किए थे वो इस वक्त 522K की फॉर्म में मौजूद हैं, और मैं इसी तरह इस फंड को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप इस चार्ट से एक और चीज़ जो वॉरेन बफे ने बोली थी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टमेंट इज टेम्परमेंट नॉट हिज इंटेलेक्ट, यानी कि आप कितने भी अकलमंद हो, कितने भी शातिर हो, कुछ भी हो, और इनफैक्ट ये आपकी जिंदगी के बाकी जो ओवरऑल जो काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो टेम्परमेंट है, जो परसिस्टेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी अकलमंद हो, आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन अगर आप ने टेम्परमेंट लूज करा और आप परसिस्टेंट नहीं रहे किसी भी काम में, वो काम उस तरह से नहीं होगा जो काम एक परसिस्टेंट बंदा कर सकता है। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपको बताऊं कि हाउ वाज माय जर्नी फॉर द म्यूचुअल फंड। और बाय द वे मैं अब एक ऐसा मैंने पहले जैसे पहले बताया कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करूंगा, मैं नाम ले लूंगा उसके अंदर, क्योंकि आप लोगों का शायद फायदा हो जाए उसके अंदर। मैं उसके अंदर कंपेयर करूंगा कि किस तरह से म्यूचुअल फंड अपने स्टॉक्स को वेट कर रहे होते हैं, किस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे होते हैं प्रॉफिट दिखाने के लिए। बाय द वे जब मैं ये अगली वीडियो बना रहा था तो मुझे पता चला यार जिस म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे डाले हैं इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द वंस, मतलब ठीक है ये इनकी सर्विस बहुत अच्छी है लेकिन जो इनके रिटर्न्स हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। मैं फिर बताऊंगा आपको कि रिटर्न्स के लिए फिर मैंने किस तरह से रिसर्च की और क्या मैंने देखा कि किस चीज़ से रिसर्च करनी चाहिए और कौन से म्यूचुअल फंड फिर मैंने सेलेक्ट किए, और बाद में अब मैं उसके अंदर भी जो है ना मैंने इसको अभी भी नहीं छोड़ा क्योंकि ऑफकोर्स डाइवर्सिटी इज द मेन की। अभी भी मैंने इस फंड को नहीं छोड़ूंगा और आगे भी नहीं छोड़ूंगा, इसमें मैं करता रहूंगा इन्वेस्ट, लेकिन जो दूसरा फंड है उसके अंदर मैं शायद एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करूँ और इन्वेस्ट करूँ।
मैं और भी चीज़ों पे वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं किन और चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि उन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।